लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चावला हमारी ईस्टर्न इंडिया के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हेलो, हाउ डू यू डू सर। डॉक्टर कमल बोस। हेलो, हाउ डू यू डू। आपकी दवाइयों से तो खूब पहचानते हैं आप। हाँ, उन्हीं से तो बदनाम हूँ मैं। वैसे जितने डॉक्टर दोस्त हैं हमारे सब आप ही की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। यस, मेडिसिन का तो आजकल बाजार में सिक्का बैठा हुआ है। जी हाँ। मिस्टर चावला, आपका हेड ऑफिस कलकत्ता में है ना? जी हाँ, मैं तो आपके लिए सिर्फ इस कोठी का अरेंजमेंट करने के लिए आया था। बाली साहब का फोन आया था। बाली साहब ने फोन पे ये नहीं बताया कि मैं इन छुट्टियों में दवाइयों का नाम तक नहीं सुनना चाहता। आई वांट अ कंप्लीट रेस्ट फ्रॉम वर्क, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। बिजनेस के बारे में ना कुछ कहना चाहता हूँ ना सुनना चाहता हूँ। किसकी कोठी है ये? टिंचा ईरानी की। एक पारसी दवा फरोश है कलकत्ते के, अब बॉम्बे में सेटल हो गए।
बड़ी खूबसूरती से मेंटेन कर रखा है घर को। जी हाँ, पारसियों की यही तो खूबी है, 100-100 साल गुजर जाएं लेकिन उनका वॉलपेपर तो खराब नहीं होता। नमस्ते साहब। नमस्ते। सुना है आपको खाने पीने का बहुत शौक है, इसलिए आपके लिए महाराज जी का इंतजाम किया है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। गिल्स मेडिसिंस की जुड़वा गोलियां, पानी से लीजिए या दूध से, सर दर्द खांसी और जुकाम से फौरन आराम दिला। यहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं दवाइयां। आप ही की इजाद की हुई दवा है डॉक्टर गिल? जी हाँ, मैं कहां इनकार कर रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, मेरे किए हुए कर्म मेरे पीछे लगे हैं, छोड़ते ही नहीं मुझे। Beautiful. आप दार्जिलिंग पहली बार आए हैं? नहीं, एक बार पहले भी आ चुका हूँ, बहुत साल पहले, करीब 25 साल हुए होंगे डॉक्टरी का इम्तिहान देने से पहले, बल्कि एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? जी हाँ, एक लड़की से इश्क हो गया था। हो जाता है डॉक्टर साहब जवानी में, हमारा भी हो गया था उसी से। जी हाँ। नहीं नहीं, मतलब यह है कि हिल स्टेशन पर इश्क हो गया था और अब उसी के 3 बच्चों का बाप हूं मैं। नहीं भाई, ऐसी कोई हरकत हमने उसके साथ नहीं की, इसीलिए आप बच गए और हमें शादी करनी पड़ी। सुनो। जी साहब। क्या नाम है तुम्हारा? मंगल सिंह साहब। मंगल सिंह साहब? साहब नहीं साहब, मंगल सिंह। देखो, किसी से कहकर कुर्सियां बाहर रखवा दो, हम वहीं बैठेंगे। जी साहब। एक्सक्यूज मी डॉक्टर गिल, मैं इजाजत चाहूंगा, हॉस्पिटल में कुछ काम है, शाम को हाजिर हो जाऊंगा। ओके ओके। मिस्टर चावला। मिस्टर चावला आप भी चलिए, तकलीफ की कोई जरूरत नहीं, मैं जरा नहा धोके रेस्ट करता हूँ, शाम को मिलेंगे। अच्छी बात है, आप आराम कीजिए, हम शाम को मिलेंगे, और अगर आपको किसी बात की जरूरत हो तो मेरा कार्ड रख लीजिए। ओके चलिए। अरे ध्यान से। हाँ जी। क्यों सुबह सुबह ठंडा पानी डाल रहा है गाड़ी पर? मुझे तो देख देख के ठंड लग रही है, तुझे कुछ नहीं होता? अभी से धो लूं तो अच्छा है, साहब ने उठते कह दिया गाड़ी निकालो तो क्या करूंगा। ये कलकत्ता नहीं है, दार्जिलिंग है, और छुट्टी पर आए हैं गिल साहब, इतनी जल्दी नहीं उठेंगे। कल से तो सचमुच यही हाल है, 11 बजे तक तो मैं इंतजार करता रहा, वो जागे ही नहीं। साहब नाश्ता कब करेंगे? आज बहुत हैवी नाश्ता करेंगे, कल से कुछ नहीं खाया साहब ने। कब करेंगे? जैसे ही जागेंगे। कौन जागेगा? बड़े साहब। बड़े साहब तो सुबह सुबह। अब तो बहुत बदल गया है ये हिल स्टेशन, बहुत साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो इतनी कारें नहीं हुआ करती थी, यहाँ सिर्फ रिक्शे ही चला करते थे ज्यादातर। अभी तो सीजन भी नहीं साहब, जब सीजन आएगा तो देखिएगा इतना रश होता है, लोगों को रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती। हाँ, उस वक्त तो किसी के घर पे भी पेइंग गेस्ट की तरह जगह मिल जाती थी। मैं खुद एक ठेकेदार था मिस्टर जोधपाल। अच्छा। उनके यहाँ ठहरा था। कमरे का किराया क्या था पता? 7 रुपए। लेकिन सब अब तो सपनों की बात हो गई है। और क्या, इस जगह की शक्ल ही कुछ और हुआ करती थी। वो जो टाल है ना लकड़ियों के? जी हाँ। वहाँ एक वैद्य की दुकान हुआ करती थी। आप कब आए थे पहले यहाँ? बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये टाल तो हम बहुत बरसों से ऐसे ही देख रहे हैं। मैं उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ। आपको गलती लगी होगी। मैं इस जगह के बारे में गलती नहीं कर सकता। इससे थोड़ा ही आगे जाके वो सीढ़ियाँ हैं ना, जॉपर बाजार से उतरती हैं। जी हाँ। फिर तो ये वही जगह। लेकिन साहब यहाँ बैद की दुकान तो कभी भी नहीं थी, बस ये टाल ही देख रहे हैं हम तो। थापा वैद्य की बात करते होंगे साहब? हाँ हाँ वही थापा, हरिहर थापा। उनको मरे खपे तो युग बीत गया साहब। लेकिन ऐसे कोई बूढ़े तो नहीं थे वो? बूढ़ा होते वक्त लगता है साहब, गम लग जाए तो देखते देखते आदमी बूढ़ा हो जाता है। ऐसा कौन सा गम लग गया था उन्हें? बेटी का गम बहुत बुरा गम होता है साहब,
जवान बेटी थी उसकी, भला सा नाम था उसका, चंदा। हाँ चंदा, बड़ी अच्छी जायदाद थे साहब आपकी। फिर शादी नहीं करती थी। क्यों? कहती थी कोई डॉक्टर लेने आएगा उसे। फिर कहाँ कोई आता है साहब, बरादरी में बदनाम हो गई, पता नहीं कौन था जो जुल दे के चला गया। वैद्य भी ऐसा लगा खटिया से कि फिर खटिया के साथ ही उठा, मरते मरते एक लंगड़े हरकारे को अपनी बेटी सौंप गया। लंगड़ा हरकारा? हाँ, नीचे नीली घाटी में रहता था, वहां एक करखा घर खुला था उन दिन। सुना है चंदा भी वहां काम करती थी। बाप के मरने पर जब घर आई, एक बच्ची थी उसकी गोद में, पति नहीं आया था। कुछ कहते थे मर गया, कुछ कहते थे छोड़ दिया। दिखाना, वो दिखाना। ये तो मेरी है। दिखा तो सही। मोचाई है या चोटाई है? पता नहीं, शायद मोचाई है। यह जरा सा एक वैद्य जी हैं, उनसे लेप करा लो, फौरन ठीक हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छे वैद्य हैं। हाँ ले आई पत्तियां। कौन कौन सी मिली? भैरव और धतूरे के पत्ते मिल गए थे, और एक मरीज भी मिला बाबा। उसके पैर में मोच आ गई है, अभी आएगा लेप कराने के लिए। वो बाजार की सीढ़ियां है ना, वहीं से गिर पड़ा। खुद ही गिर पड़ा था या तूने धक्का दिया था? मैं क्यों धक्का देती? क्या पता अपने बाबा के व्यापार में मदद कर रही हो। आहा हा, कोई गिर पड़ा तो मैंने धक्का दिया, पता नहीं क्या समझते है मुझे। ओई वही जो राम रची राखा। आओ आओ आ जाओ। क्यों मोच आ गई पाँव में? जी हाँ, ऐसा ही लगता है। बैठो बैठो। चूक भई दो नैन से और ठोकर खा गए पाँव, मूर्ख मुखिया भूल करे और भुगते सारा गांव। ला पाँव दो। तो बाजार की सीढ़ियों पर से फिसल पड़े। हाँ जी हाँ। कोई बात नहीं, बच गए, कहीं टखना उतर जाता तो मुश्किल हो जाती। चंदा जरा तारपीन का तेल ले आ अंदर से। गरम करके ला रही हूँ बाबा, हल्दी भी लाऊं थोम डाल के? हाँ वो भी ले आ। देखा, मरीज के आने से पहले ही दवा की तैयारी शुरू हो गई। आप ज्योतिष वोतिष का चक्कर भी जानते हैं क्या? जानता हूँ। अच्छा अच्छा, इसलिए आपको पहले से पता चल गया सब। देखा, यह है मेरी ज्योतिष, सारे शहर की खबर रखती है। कहाँ से आए हो? जी कलकत्ता से। नाम क्या है? अमरनाथ।
गिल। क्या करते हो? डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ, आखिरी साल है इसलिए तैयारी के लिए यहाँ आया हूँ। देखो, काम करे सो सोंट करे, और कुछ करे अफीम, कर्मों की गत प्राणी भुगते थैली भरे हकीम। अगर सिर्फ पैसे कमाने की भावना ना हो मन में तो इस जैसा और कोई दूसरा काम नहीं है अमरनाथ। अमरनाथ क्या? गिल। हाँ गिल, ऐसी प्रसन्नता मिलती है सेवा से कि कुछ पूछो नहीं, पूजा जैसा काम है ये। जी इसीलिए तो डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ। तो शहर में खोलोगे दवाखाना? गांव में तो चलेगा नहीं। क्यों? अरे इतनी महंगी दवाइयाँ यहाँ कहाँ बिकेंगे अमरनाथ। गिल। हाँ हाँ गिल, यहाँ तो हमारी जड़ी बूटियाँ ही चलेंगी। पुण्य कमाए कीकरी और पीपल दान करे, जंगल जैसा वैद कहाँ जो सबका ध्यान करे। एक बार ये विद्या सीख लूं बाबा, मन की भावना आपसे सीखूंगा। रहते कहाँ हूँ यहाँ? जी वो ठेकेदार जोधपाल की कोठी है ना, वहीं रहता हूँ, बहुत नजदीक है यहाँ से। बाबा पट्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, जोधपाल की बाड़ी में रहते हो? जी हाँ। अरे वो तो वैसे ही साल भर में 10 महीने खाली पड़ी रहती है। हाँ, खाना कहाँ खाते हो? धा धा धाबे में। धाबे में? जी 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 जी, विद्यार्थी होकर ढाबे में खाना खाते हो? अरे भाई अव्वल कैसे आओगे? हाँ नहीं 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 नहीं, आज से तुम हमारे यहाँ खाना खाओगे। हाँ क्यों चंदा? जी शुक्रिया। कितने पैसे? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, पहले ठीक तो हो जाओ अमरनाथ। गिल। पैसे बाद में ले लेंगे। हाँ रात को जब खाना खाने आओगे तो पट्टी बदल दूंगा। अच्छा शुक्रिया, नमस्ते। अरे संभाल के संभाल के, लो मेरी छड़ी ले जाओ। चंदा मेरी छड़ी दे दे। शाम को याद से ले आना। वो बाबा वो मोच वाला तो आया नहीं, उसका खाना बकरी को डाल दूं? क्यों, बकरी का चारा क्या तू खा गई? मैं कोई जानवर हूँ, बकरी का चारा खाऊंगी? तो फिर बकरी का उसका खाना क्यों डालेगी? क्या मोच आई है बकरी को? इसमें मोच का क्या सवाल है? धर्म खाते में लगे रहते हो, गांव वालों से पैसा नहीं लेते कि गांव वाले हैं। बाहर का एक मिला था, वो भी विद्यार्थी निकला, विद्यार्थी ना हुआ, पता नहीं क्या हो गया। ऐसे फुकट में सबका इलाज करते रहोगे तो कैसे चलेगा? कल को शादी करनी है मेरी, तब क्या होगा? नहीं करेंगे। पक्की बात है, वचन देते हो? वचन तो दे दूं, पर सारी उम्र कौन पालेगा इस सर दर्द को? अब तो मैं सर दर्द हूँ, जब मैं चली जाऊंगी तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा मुफ्त में जड़ी बूटियां ढूंढने वाला। खुद जाया करना जंगल में। सुनो चंदा, एक काम करता हूँ, मैं खुद देख आता हूँ अमरनाथ को, यही पास ही में तो रहता है जोधपाल की बाड़ी में। कोई जरूरत नहीं, मैं हंसा के यहाँ जा रही हूँ, रास्ते में देख लूंगी। पैसा ढेला मिलता नहीं, उल्टा छड़ी लेकर चला गया। अरे तुम आओ, अंदर आओ। तुम आए नहीं खाना खाने? बाबा रास्ता देख रहे थे। नहीं आ सका, बुखार है और ये पांव भी सूज गया है। कुछ भी नहीं खाया? नहीं, भूख भी नहीं है, दूध गर्म किया है वही पी लूंगा। तुम बैठो, मैं ला देती हूँ। कहाँ रखा है दूध? वहाँ रसोई में।
इस वक्त दूध पीकर सो जाओ, बाबा से कहूंगी कल आकर पट्टी कर जाएंगे। अरे हाँ, तुम्हारे यहाँ थर्मोमीटर है क्या? है वो थर्मो क्या चीज? वो एक कांच की ट्यूब होती है। क्या होती है? नली, कांच की नली होती है, उसके नीचे की तरफ मर्क्यूरी होता है। क्या होता है? मर्क्यूरी का मतलब, हाँ, पारा। पारा होता है, उसको मुंह में लगाने से टेम्परेचर का अब बुखार का पता चलता है। इसमें हंसने की क्या बात है? बुखार देखने के लिए भी कोई नली होती है क्या? हम तो छूकर बता देते हैं कि बुखार कितना है। अच्छा, छूकर बताओ कितना बुखार है? है, ज्यादा नहीं। कल दवा लेकर आऊं बुखार के लिए? कौन सी टैबलेट्स हैं तुम्हारे पास? गोलियां कौन सी हैं? गोलियां वोलियां नहीं, वो बनफ्शे के फूल होते हैं ना, उसे उबालकर काढ़ा बना दूंगी। तुम तो खुद अच्छी खासी वैद हो। दिन रात जड़ी बूटियों में रहकर मेरी बकरी भी आधी वैद हो गई है, मैं नहीं हो सकती। हो सकती हो। मैं जाऊं? हाँ जाओ। ये छड़ी ले जाओ। नहीं, अभी रहने दो, मुझे जरूरत पड़ेगी। बाबा नाश्ता कर लो। रख दे बेटी, ये लो गोलियां और ये चूरन। हाँ, उस छड़ी वाले का क्या करना है? तू ही चले जा, ये दवाई ले जा और साथ में ये लेप भी लगा देना। बाबा, उससे छड़ी वापस ले लो और पीछा छुड़वा लो, ये तो लेने के देने पड़ गए। एक रोग के पैसे तो दिए नहीं, दूसरा और लगा लिया। दे देगा बेटी, और सुन, साथ में कुछ खाने को भी ले जा। लो। अरे भाई, विद्यार्थी है, विद्यार्थी, देश का भविष्य होते हैं ये लोग। देश का भविष्य कब होगा पता नहीं, अभी तो हमारा भविष्य हो रहा है। ऐसी छड़ी पकड़ी है, छोड़ता ही नहीं है। बाप रे, इतनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं डॉक्टर बनने के लिए? और नहीं तो क्या, ये वैद्य की थोड़ी है कि आदमी बकरी के पास बैठा और सीख गया। मेरे बाबा को बकरी कहा? नहीं, मैंने बकरी को बाबा कहा। नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम्ही ने तो कल कहा था कि बाबा बकरी के पास भी बैठ जाए, मतलब बकरी बाबा के साथ भी बैठ जाए तो सीख जाए, कहा था ना तुमने? इतना आसान नहीं है, 300 पता नहीं कितने हजार किस्म की जड़े हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, एक एक पत्ती पहचाननी पड़ती है, तब जाके आदमी कुछ सीखता है। ऐसे थोड़े ही किताब पढ़े और इलाज कर लिया, खुद क्यों नहीं इलाज करते अपना? तुम भी तो डॉक्टर हो। खुद ही कर लेता, लेकिन मुझे जो दवाइयां चाहिए वो यहां नहीं मिलती है। कहां मिलती है? कलकत्ते में। तो वहीं गिरना था, यहां क्यों गिरे? कलकत्ते में छड़ी नहीं मिलती? नहीं, मैं यही ले जाऊंगा। 3 रुपए के ली थी बाबा ने, कोई पेड़ से नहीं काटी थी। हाँ भाई चंदा। ओ, नमस्ते। नमस्ते। अरे भाई, मैं तो तुम्हारी चाल ही भूल गया था, इतने तूने देखा नहीं ना? जी, दरअसल मैं अपनी चाल भूल गया था। अरे भाई, इनकी भी थाली लगा देना। आओ बैठो बैठो बैठो। अच्छा ये बताओ, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? जब तो बिल्कुल ठीक हूँ, टेम्परेचर भी, बुखार भी उतर गया। चलो अच्छा। अरे चंदा, ओ चंदा, इधर आओ, इधर आओ, मैं कहता हूँ। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। कुछ नहीं, अरे भाई मेहमान है तुम्हारे। नमस्ते। कब?
पढ़ाई कैसी चल रही है? जी ठीक चल रही है। अव्वल आओगे ना? जो उम्मीद तो है। साल में कितने मरीज मारोगे? यही जी। अरे भाई, जाने वाले की क्या चिंता, आते जाते रहते प्राणी, मर जाए तो आई थी उसकी, बच जाए तो वैध था जानी। बाबा, इस मन की भावना के साथ साथ दोहे बनाना और सिखा दीजिए। ऑपरेशन करते करते बोलता रहूंगा। ऑपरेशन का मतलब वो जो चीरफाड़ होती है ना वो। बस मुझे तुम्हारी डॉक्टरी में ये चीरफाड़ अच्छी नहीं लगती। तुम भी करते हो? जी, सर्जरी में तो करनी ही पड़ती है। किसमें करनी पड़ती है? सर्जरी उसका कुछ नहीं होता, सर्जरी ही होता। बाबा, ये सर्जरी की विधि आजकल काफी तरक्की कर रही है। अच्छा, अब तो डॉक्टर दिल भी बदल देते हैं। अच्छा भाई, हम तो अच्छे विचारों से आदमी का दिल बदल देते हैं, क्यों चंदा? और क्या? खाओ खाओ, अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत ही अच्छा है भाई। जो भी रूखा सूखा है घर का बना हुआ तो है। सुनो, जब तक तुम यहां हो हमारे मेहमान हो। अरे छड़ी क्यों ले जा रहे हो? दस दिन से इस छड़ी के पीछे पड़ी है बाबा, मेरे पैर की फिक्र ही नहीं है इसे। छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, पैरों की पैड़ी कब लगे हाथ कड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। सीधे सीधे रात बाबो थोड़ा सा मोड़ दे दो, सीधे सीधे रात बाबो थोड़ा सा मोड़ दे दो, बेजोड़ रूहों को हल्का सा जोड़ दे दो, जोड़ दो न टूट जाए सांसों की लड़ी, जोड़ दो न टूट जाए सांसों की लड़ी। छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी।
छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सॉरी डॉक्टर गिल, आपकी इजाजत के बिना हम आपके घर में घुस आए हैं। मिस्टर मेहता, डीन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाउ डू यू डू। मिस्टर ई सूरत वाला, हाउ डू यू डू। सर्जन और डॉक्टर कमल बोस को तो आप जानते ही हैं। हेलो हेलो डॉक्टर, प्लीज सर। एक क्लिनिक की ओपनिंग के सिलसिले में आपको इन्वाइट करने आए हैं। वेल जेंटलमैन, थैंक यू फॉर द ऑनर। But I am here on a complete holiday. मैं ये छुट्टियां बिल्कुल बिल्कुल अकेले गुजारना चाहता हूँ। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे मिस्टर गिल। बहुत छोटा सा फंक्शन है। क्या है कि नीली घाटी में हम एक क्लिनिक शुरू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उन यंग डॉक्टर्स की आप हौसला अफजाई करें जो शहर छोड़कर इस दूर दराज इलाके में करियर शुरू कर रहे हैं। ये क्लिनिक कहाँ खोल रहे हैं आप? नीली घाटी में। कब? नेक्स्ट वीक फ्राइडे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ओके बाय डॉक्टर। ओके बाय द वे डीन, वहां कोई करखागर है जहां कपड़ा बनाया जाता है? जहाँ है तो सही, लेकिन बहुत छोटा सा है। गांव की औरतें काम करती हैं वहां और कोई खास मशहूर भी नहीं। उससे तो सिलीगुड़ी का पावर लूम अच्छा है, देखने के काबिल, कपड़ा भी अच्छा बनता है। अच्छा ऐसे। और एनीवे मैं पहुंच जाऊंगा 11 बजे। हम लोग खुद आपको लेने आ जाएंगे। ओके बाय। नीली घाटी। आइए आइए जी। मैं एक चंदा नाम की महिला को ढूंढ रहा हूं, शायद आप ही के यहां काम करती है। चंदा? हाँ शायद है, कुछ बूढ़ी सी औरत है जी, शायद वही होगी। आप ठहरिए, मैं बुला देता हूं। अंदर आ जाओ मां, घबराने की कोई बात नहीं। यही है ना चंदा? जी नहीं, माफ करना मां, आपको तकलीफ दी। जाओ मां, जाकर काम करो तुम। वो इतनी बुरी नहीं हुई होगी। आप पहचानते हैं उन्हें? हाँ पहचान तो लूंगा। तो खुद ही चलकर देख लीजिए। आपको पक्का मालूम है वो यही काम करती हैं? जी हाँ सुना तो यही था। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मुझे 10-12 साल तो हो गए। मैं उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ, करीब 20 साल पहले। ओ, अब मुनीम जी सुनिए तो,
20 साल पहले चंदा नाम की कोई औरत यहाँ काम करती थी। किस नाम की? चंदा, चंदा ही नाम था ना? मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता। यहीं की रहने वाली थी? जी नहीं, वो दार्जिलिंग से शादी करके आई थी। उसका पति लंगड़ा था। ओ, आप लंगू हरकारे की बात तो नहीं कर रहे? हाँ वही, उसी की बात कर रहा हूँ। उसने किसी बैद की बेटी से शादी की थी। हाँ मुनीम जी भाई, उसी का नाम चंदा है। हाँ हाँ, वो यहीं काम करती थी, रंगाई खाते में सूत रंगा करती थी। शादी के एक साल बाद ही पति मर गया था उसका। एक छोटी सी लड़की भी थी लंगू से। मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ मुनीम जी। कुछ पता है कहाँ है, कहाँ मिल सकता हूँ उन्हें? ये तो मैं नहीं कह सकता बाबू, किसी पिछले जन्म की बात लगती है। इतना मालूम है, लंगू के मरने के बाद भी 3-4 बरस तक यहीं थी। जड़ी बूटी की खूब पहचान थी उसे। बस उन्हीं दिनों में वो कहीं चली गई, शायद धौलपुर गई होगी। चंदा नाम की औरत धौलपुर में? जी हाँ, विधवा है, एक बच्ची है उसकी। नीली घाटी से आई थी करीबन 15 साल पहले। जड़ी बूटी की खूब पहचान है उसे, वैदक भी जानती है। इस नाम की किसी औरत को हम तो नहीं जानते। शुक्रिया। दार्जिलिंग से नीली घाटी और नीली घाटी से यहाँ धौलपुर, बस इतना जानता हूँ मैं। इस तरह मिलना तो बहुत मुश्किल है साहब। कितनी जगहों पर गए हैं आप, उसके पति का नाम नहीं मालूम, उसकी बेटी का नाम नहीं पता, और जिसे आप जानते हैं वो पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। वो मरी नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसकी बेटी मिले तो आप पहचान लेंगे उसे? पहचान तो लूंगा, चेहरे से नहीं तो आवाज से जरूर पहचान लूंगा। आवाज तो वही होगी चंदा की।
के रात दिन फिर ढूंढता है फिर वही माफ कीजिए, मुझे एक लड़की का पता मालूम करना है, अगर आप जानते हो तो। किसकी लड़की? चंदा नाम की एक लड़की है, औरत मेरा मतलब, जड़ी बूटी की खूब पहचान है उसे। नीली घाटी चाहिए थी यहां रहने। एक बच्ची भी है उसकी, विधवा है। थापा बैद की बेटी? जी हाँ, वही। कहाँ है, कहाँ रहती है? हाँ थी, बहुत अच्छी लड़की थी। थी मतलब अब नहीं है क्या? नहीं, चली गई थी यहां से। बहुत साल पहले की बात है, जड़ी बूटियां जमा करके लाया करती थी, बेच जाया करती थी बेचारी। मेरे पास यहां दवाइयां भी घोटा करती थी। बड़े बुरे दिन काटे उसने। पता नहीं कहां से एक धुन चढ़ गई थी, कहती थी शहर जाऊंगी, बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी। पर भागों हेठी
अपनों के हाथों ही लुटती रही। क्या हुआ था उसे, कहां गई वो? जाने कौन था वो, थानू के तीनू, क्या नाम था उसका, उसके पति का भाई था बताती, पर भाई क्या जी, पूरा कसाई था, जो कमाती थी ले जाता था, जबरदस्ती घर में रखने की कोशिश करता था, धमकी देता था कि लड़की को उठा के ले जाऊंगा, उसी के लिए बदनाम होने लगी थी बेचारी। बस एक खराबी थी, बुड़बुड़ करती रहती थी, अपने आप से बातें करती रहती थी, पर दवाइयां बनाने का शौक था। मैं कहूं दमे के लिए बोराज के पत्तों को पीस कर दवा बनाते तो अपने नुस्खे गिनाने लगती थी। कहती थी भेरल के पत्तों में सातों नमक डालकर दो, और गई कहां? बताता हूं भाई, बात तो पूरी होने दो। ठीक, दाल जो जोधा जो जोधपाल, हाँ वही लो, तुम देख लो, वही लिख के गई थी। उसी की लिखा है, ठेकेदार जोधपाल, पीली कोठी सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी पीली कोठी तो यही है, लेकिन 2 साल हुए वो बेचकर चले गए। ये ठेकेदार मिस्टर जोधपाल आजकल कहाँ रहते हैं? वो तो रिटायर हो चुके हैं, कलकत्ता ही में रहते हैं। उनके साथ एक चंदा नाम की औरत थी। देखिए मैं बहुत दूर से उनका पता खोजता हुआ आया हूँ, वो कहाँ मिल सकते हैं बस इतना बता दीजिए। कोठी के पीछे माली रहता है, उससे मिलकर पूछ लीजिए, वही उस पगली का ख्याल रखता था। पगली? हाँ, बड़ी का दिमाग तो चल गया था, और छोटी? उसी से पूछ लीजिए ना, वही बता देगा। एक गिलास पानी मिल सकता है? हाँ हाँ जरूर मिल सकता है। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है साहब, लीजिए। एक पगली रहती थी यहाँ, चंदा। हाँ, उसकी कोई खबर बता सकते हो? वो तो अब नहीं रही साहब, गुजर गई। कब? 8 महीने हो गए। कैसे गुजरी, क्या हुआ था? बड़ी दुख भरी कहानी है साहब, मैं तो सुन सुन के रोता था। आखिर में बिल्कुल होश चले गए थे, पागलपन में इधर उधर भागती रहती थी, किसी के भी हाथ में किताब देखती थी तो भाग कर पकड़ लेती थी, पूछती थी परीक्षा हो गई तुम्हारी, परीक्षा हो गई, डॉक्टर बन गए,
जब डॉक्टर बन जाओगे तो मेरी बेटी से शादी कर लेना, उसे भी पढ़ाना, उसे भी। साहब 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 दुल्हन की हालत में कटा, एक पुराना ओवरकोट था वही पहने रहती थी और हर वक्त साथ एक छड़ी रखा करती थी। एक बार कहा था मुझसे, जब मैं मर जाऊं तो ये छड़ी मेरे साथ जला देना। और कजली, उसका क्या हुआ? शहर जाने के बाद उसकी और कोई खबर नहीं आई। महीने दो महीने में पैसे भेज देती थी मां के लिए और कहलवाया था अच्छी नौकरी लग गई है और पढ़ रही है, जब डॉक्टर बन जाएगी तो खुद आके इलाज करेगी मां का। उसका कोई पता ठिकाना है? कभी नहीं भेजा। उसे ये मालूम है कि चंदा मर चुकी है? हाँ, जो पैसे लेकर आता था उसी के हाथ कहलवा दिया था मैंने। फिर पैसे आना बंद हो गए तो मैं समझ गया कि उसे खबर पहुंच गई होगी। ये कजली को पहना के देखा करती थी और ये कजली से कहती थी जब डॉक्टर बनेगी तब दूंगी, पता नहीं कहां से उठा कर लाई थी। ये भी रख दूं साहब? हाँ, ये सब रख दो। सुनो, वो डिबिया देना। क्या है साहब इसमें? शायद वही होगा। क्या साहब? मैंने उसे एक सफेद हार दिया था। हाथी दांत का? हाँ, मैंने देखा है। कजली से कहती थी उसके दहेज में देगी। हाथी दांत का नहीं था, मैंने यूं ही झूठ मूठ कह दिया था तो मुझसे झगड़ने लगी। उस वक्त मैं वापस शहर जाने की तैयारी कर रहा था। बहुत खूबसूरत है, हाथी दांत है। कितने का है? 715 रुपए का। क्या हो? इतने रुपए तुम्हारे पास कहां से आए? वो एक 128 रुपए थे इसमें, कुल 60 बचे हैं, बाकी कहां गए? ये 60 मैंने वापस जाने के लिए रखे, इन्हें हाथ मत लगाना। तुमने क्यों हाथ लगाया? 128 रुपए थे इसमें। रखे हुए दिन कितने हुए? मेरा कोई खर्चा नहीं होता क्या? खर्चा क्या होता है? खाना तो फोकट का खाते हो, कपड़े मैं धोती हूँ, एक दूध आता है दो वक्त का बस, और क्या? और ये हार 45 रुपए का, इसे क्या मंदिर में बाबा जी बांटते हैं? 45 का है, लगता नहीं है क्या? हाँ, लगता तो है। निकालो बाकी पैसे। बाकी के कौन से पैसे? 8 आने की चाय पी और 8 आने रिक्शा के। 8 आने की चाय? क्या बाल्टी में पी थी? पी नहीं, नहाया था। जेब दिखाओ। कुछ नहीं, देखो। अरे अरे नहीं, ए! अट्ठावन रुपए। तस्वीर अच्छी है। ये कहां से आए? सच सच बताओ ये कितने का है, तुम्हें मेरी कसम। अरे नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये डिबिया है ना, 3 रुपए की है। और ये हार? 12 आने का। मुझे नहीं चाहिए ऐसे 12 आने का हार, मैं क्या भिखारन हूँ? अरे वाह, 45 का था तो अच्छा था, 12 आने का है तो बुरा होगा। चंदा कुमारी, हार तो वही है। 12 आने का हार भी कोई हार होता है? हार 12 आने का है तो क्या हुआ, दिल तो 12 आने का नहीं। हटाओ हाथ। क्या हुआ? कान मत खुजाओ, जहर बाद हो जाता है। क्या क्या हो जाता है?
जहर बाद हो जाता है। देखो तुम ये वैद्य की छोड़ दो, खामोखा किसी मरीज को मार डालोगी। तुम डॉक्टर बन जाओ, मैं छोड़ दूंगी। मेरे डॉक्टर बनने में देर किस बात की है, कुल 10 दिन की बात है। अगले मंगलवार को जाऊंगा, बुध को एग्जाम्स होंगे। क्या होंगे? परीक्षा, इम्तिहान। तुमने कुछ कहा था ना, तुम्हें कुछ मिलेगा डॉक्टरी का? हाँ, फर्स्ट क्लास की डिग्री, उसके बाद मैं किसी को भी मार सकता हूँ। बाबा से बात कब करोगे? मंगल को तो जा रहे हो। मंगल को अभी 5 दिन बाकी है, मैं कल ही बात कर लूंगा। क्या कहोगे? मैं कहूंगा मैं शादी करके चंदा को साथ ले जाना चाहता हूँ। बाप को डोली से जाने का भी समय नहीं तो गया अमरनाथ, नहीं ऐसे भेज दिया तो बेटी समझेगी बाप ने बोझ उतार दिया सर से। नहीं बेटे नहीं, ऐसे नहीं। अरे मेरी किस्मत अच्छी है जो चंदा जन्मी मेरे घर में, तुम्हारी भी किस्मत अच्छी है सो तुम्हारे घर जा रही। ऐसी लक्ष्मी जिसके घर जाए वही। जाओ बेटे जाओ, तुम्हारा कर्जा रहा मुझ पर, जब भी आओगे तुम्हारा धन तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। जाओ। वही आखिरी बार चंदा को देखा था। ये सफर जो सोचा था चंद हफ्तों में मुझे वापस उसके पास ले जाएगा, वो परसों लंबा हो गया। बहुत बड़ी भूल की मैंने, इसका अंजाम इस तरह होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। वापस आना चाहिए था मुझे, वापस आना चाहिए था। यस प्लीज। एस्प्रिन है आपके पास? गिल्स की गोलियां दूं? बहुत अच्छी हैं साहब, बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। नहीं भैया, उसमें क्लोरीन ज्यादा, दवाई कम होती है, आप मुझे एस्प्रिन ही दीजिए। जैसी आपकी मर्जी। दफा हो हरामजादे, 10 रुपए में के सारी रात बैठेगा कोठे पर, अपना घर समझ रखा है, फिर आए इस कोठे पर तो कटवा के कौवा को फिकवा दूंगी। हाँ तेरी तो मैं। मेरी चप्पल दे दीजिए। ले पकड़ और जाकर मार अपनी बीबी के सर पे, चले आते हैं सब साले। तू क्या देख रहा है सेठ, उसकी माननी है तो ऊपर आ, नहीं तो फूट यहां से। चल ना कजली, क्यों अपना धंधा खराब कर रही है, तेरा गुस्सा तो बस खुदा ही समझे। चल साहब, एस्प्रिन ये लीजिए, आपका एस्प्रिन। आप भी किस झंझट में पड़ गए साहब, ये तो यहां हर शाम होता है। लड़की कौन है ये लड़की? पेशा है साहब, जबान नहीं सुनी आपने? ऐसी गंदी जबान। कभी कभी तो यहाँ ऐसे गंदे शेर सुनाई पड़ते हैं कि शरीफ आदमी तो घर जाकर अपने कान धो ले। 3 रुपए। आपका बैलेंस साहब। हाँ।
कोई कजली नाम की लड़की है ना यहाँ? मैं उसे मिलना चाहता हूँ। अभी लेटी है बिचारी का हक निपटा के, थक गई है, कोई और चलेगी? जी मैं, मुझे उसी से काम है। काम तो सभी को एक ही होता है। आओ। ए, उठ। कौन है वे? चल अंदर जाके सो। बैठो। ए कजली, चल उठ, कोई आया है तेरे लिए। उठ बेटी। सोने दो ना मौसी, और कितनी हड्डियां तोड़वाऊंगी। चल उठ बेटी, कोई बड़ा अमीर आदमी लगता है, ऐरा गहरा होता तो मैं खुद ही भेज देती। चल उठ, उठ। मुझे नहीं लगता वो बैठेगा, पी पा के चला जाएगा। मिल ले उसे, हैं? और 30-40 से कम नहीं लेना। इतनी देर से आए, साली जमाई आ रही है। बैठो। विस्की नहीं है, थर्रा मिलेगा मेरे जैसा, चलेगा? नहीं बेटी, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। ये बेटी क्या है यार, सीधा धंधे की बात करो ना। मैं किसी और काम से आया हूँ बेटी। ए, ये बेटी बेटी मत करो, बहुत सुना है मैंने। बैठना है तो बोलो। तुम्हारा नाम क्या है? नाम पूछ के क्या करोगे? घर में बिठाना है मुझे, खानदान देखना है। माँ पागल थी, बाप लंगड़ा था, और क्या पूछना है? तुम नाराज क्यों होती हो बेटी? उफ़ो, मौसी, मौसी, मेरी बात तो सुनो बेटी। तू ही संभाल इस बुड्ढे को, ये तो गोद लेने आया है मुझे। क्या हुआ? चल चल अंदर चल। जी वो कजली है। कजली? अरे ओए कजली, देख तेरा बुढ़ा आया है, जाना। आ गए आप? मेरी बात सुनो बेटी। फिर बेटी? चलो
चलो निकलो निकलो, चलो चलो जाओ। आ जाते हैं साले पतझड़ कहेंगे इनकी तो मैं। तुम अब क्या चाहिए? कजली चाहिए, विस्की है मेरे पास, सोडा चाहिए, मिलेगा? आ गए ना रास्ते पर, आओ। मैं सोडा लाती हूँ। स्वागतम, बैठिए, तशरीफ रखिए। क्या नाम है? चुस्की लोग है सेठ जी। जी नहीं, थैंक यू। तुम भी कजली के जादू में आ गए। चेरी ऐसी है सारी, एक बार मुझे लग गई तो दूसरी जमती ही नहीं। अबे वसंत, कोई आई पसंद? इनमें से कोई नहीं पसंद। तो चल जा फिर अंदर, चल। चलो रवि खेलते हैं। पैसे हैं ना? बिल्कुल है, पसंद? मैं भी आऊं क्या? बैठे रहो, यहाँ रुपया चल रहा है। अच्छा, प्लेट रखना जरा, मेरा बांटना, मैं भी आती हूँ। जल्दी आना। कोई अलग बैठने की जगह नहीं है? 5-2 रुपया जास्ती लगेंगे। कोई बात नहीं, आओ सोडा लेकर आना। जाइए सर जी, जाइए। बैठो। कब से पीती हो? जब से ये धंधा लगा है। पहले जाता था, जबरदस्ती पिलाता था, अब साली आदत लग गई है। ना पीऊं तो नींद नहीं आती। ग्लास नहीं रख रहेगा? चीज क्या कहा? कुछ नहीं। कजली, क्या है मौसी? सुन तो, वो बैठेगा रात भर के जाएगा? पता नहीं, कोई बात नहीं की। पूछ ले। क्यों? चौधरी आया है, वो तेरे बगैर जाता भी तो नहीं किसी के पास। मैं क्या करूं मौसी, कोई बैठा है तो कह देना कोई बाहर ले गया। अरे हेलना, काय को भाव खा रही है? चल चौधरी, तू घूम के आ, वो ग्राहक के साथ बैठी है। देखने तो दे। चौधरी, क्या कर रहा है तू? बहुत मोटी आसामी फांसी है, है? तू बैठ कर जली, मैं इससे निपट लेती हूँ। चल चल जरा बाहर। क्या निपट लेंगे? बहुत लोग आते हैं यहाँ। कोई कोई दिन तो बहुत लोग आते हैं यहाँ, कोई दिन साला ऐसा खाली जाती है कि पूछो मत। खाली दारू वाला भी आता नहीं कोई। लेकिन गंगू रानी है ना, बहुत ख्याल रखती है अपनी लड़कियों का। हाँ, बिल्कुल माँ की माफिक देखते हैं साले। पियो ना, तुम तो बहुत धीरे चल रहे हो।
जल्दी भी क्या है, अखी रात्र हो गए। हाँ, तुम बाहर भी जाती हो? हाँ, कोई एतवार वाला आदमी हो तो गंगूरानी भेजती है। एतवार वाला मतलब? वो गंगूरानी आदमी देखकर समझ जाती है, बड़ी जिंदगी देखी है उसने। मेरे साथ भेज देगी तुम्हें? देखने से तो लगता है। एक रात के लिए नहीं, बहुत दिनों के लिए। शहर से बाहर? नहीं, इसी शहर में। जितने दिन मैं यहां रहूंगा उतने दिन। मैं समझती हूँ, मैंने भी जिंदगी देखी है, लेकिन पैसे बहुत लगेंगे। पैसों की फिक्र मत करो, जितना कहोगे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें वहीं रहना होगा मेरे पास। मंजूर है, ठीक। बोलो कब से? आज से। कितने पैसे लोगे बोलो? बुला गंगूरानी को, पेश के देके जाओगे? नशे की बात नहीं है। हाँ बुलाओ उसे। दारू, दारू है तेरे पास ना? सो जाओ तुम। खाना खाना सर? मैं खा के आया हूँ, तुम सो जाओ, ये बत्ती बजा दो। अच्छा सर। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये चाय बाहर लॉन में ही रख दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रात आपका बहुत देर तक इंतजार किया मैंने। देर हो गई थी। पढ़ो सुना, वो ऑफिस से जो पेपर्स आए थे वो मैंने साइन करके रख दिए हैं, उन्हें लेकर तुम वापस चले जाओ। ध्यान सिंह को भी अपने साथ ले जाना, मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑफिस से कहता ना, इन छुट्टियों में मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। मैं कब लौटूंगा मुझे नहीं मालूम। और किरण से कहना बिजनेस खुद ही संभाल लें।
कुछ पूछना है? जी नहीं। जाग गई? हाँ, कल रात साली बहुत चढ़ गई थी। तुम जाओ, जाने की तैयारी करो। ये अंग्रेजी शराब बड़ी हरामजादी चीज है। देखो, गाली मत दो। शराब को दी है, तुमको थोड़ा ही। शराब को सही, लेकिन लड़कियों के मुंह से गाली अच्छी नहीं लगती। लड़का हो या लड़की, गाली गाली है, इसमें अच्छा लगने की क्या बात है? आज चलो तुम्हें नए कपड़े ले दें। मेरे पास हैं, बक्से में रखे। फिर भी और ले देते हैं। ले दो यार, मेरे को क्या है, लेकिन मेरे पैसों में से नहीं कटेगा। बिजनेस की बड़ी पक्की हो तुम। और क्या, शरीर बेच के जीना पड़े मालूम हो। ये क्या कर रही हो तुम? क्या बीड़ी क्यों पी रही हो? बीड़ी? बीड़ी तो पीती हूँ मैं। पीती हो ठीक है, लेकिन यहां सबके सामने अगर न पियो तो कोई हर्ज है? देखो यार, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुमने पैसा दिया है ठीक है, लेकिन ये बीवी की तरह उठक बैठक मत करा। बीड़ी मत पियो, गाली मत दो, ये मत करो, वो मत करो। किस बात का पैसा दिया है तुमको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। देखो, अगर तुम्हें इतनी ही तलब है बीड़ी की तो अंदर जाके पियो। बाहर नौकर चाकर हैं, लोग देखते हैं, उनमें अगर मेरी इज्जत रख लोगी तो मेहरबानी होगी, वरना ना दो के बाहर चलते हैं, जो मर्जी करना, मैं कहां मना करता हूं। इज्जतदार आदमी के साथ अपनी बड़ी बेइज्जती होती है इस साल। सर, आपका ट्रंकौला है कलकत्ते से। हेलो। हाँ बोलो किरण, बस ठीक हो? नहीं, पैसा है मेरे पास, जरूरत होगी तो मंगवा लूंगा। हाँ सुनो, मैं माथुर और ध्यान सिंह को वापस भेज रहा हूं। हाँ, डोंट बॉदर, एंड डोंट बॉदर मी ऑल्सो। क्या ठीक है, तुम साइन कर देना। ओके। सॉरी सर, सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब किया, आज मैं वापस जा रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। कलकत्ते से अगर आपको कोई चीज भिजवानी हो तो मुझे बता दीजिए। सेठ? अरे सेठ, क्या है? वो अपने कपड़ों का बक्सा कहाँ रह गया यार? रात को नशे में साला ख्याल ही भूल गया। बाहर गाड़ी में पड़ा है, ड्राइवर से कहो निकाल देगा। वहां तो कब जा रहे हैं आप? सोचा आपसे मिलता, चलो। चाय पियेंगे? जी नहीं, अब चलूंगा, मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। हैव अ गुड टाइम सर। मिल गया, गाड़ी में ही था। तुम्हें इसी वक्त पूछना था। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे पास कुछ और पहनने के लिए नहीं है? कुछ साड़ियां? तुम जाओ, तैयार हो जाओ, बाजार चलते हैं। देखो तो कितनी खूबसूरत लगती है ऐसे, खामो खामो रंग रोगन थोप लेती हो अपने मुंह पर। अरे तुम तो बिल्कुल आशिक की तरह बात करते हो, ये तो साला कोई नहीं बोला आज तक। ओफो, ये साला बोले बगैर तुम बात नहीं कर सकती हो। बुरा लगता है तुमको तो नहीं बोलूंगी यार। ये इनमें से एक साड़ी पहन लो। कौन सी पहनोगी? जो तुम्हें पसंद हो। तुम पहन लो, मैं बाहर जाता हूँ। बाहर क्यों जाते हो? तुम्हारे सामने पहनती हूँ यार। मेरे सामने शर्म नहीं आएगी तुम्हें?
शर्म है तुम्हारी बेटी को, मुझे काहे की शर्म? लोग कितने पैसे लगाते हैं शरीर का, हमेशा थोड़ा ही रहेगा। साला बोलने जा रही थी। हाँ, मैं बाहर जाता हूँ। मैं तुमको समझ गई। क्या समझ गई हो? तुम वो दूसरी तरह के आदमी हो। दूसरी तरह का आदमी? वही आसिक मजाज, लड़के रखते हैं सिर्फ घूमने के लिए, शराब पीने के लिए, नाचने गाने के लिए, है ना? हाँ, मैं वही दूसरी तरह का आदमी हूँ। लेकिन तुमने एक गलती की यार। क्या? अगर चंपा को चुन लेते तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा नाचती है, इतना सिखाया मुझे, लेकिन आया नहीं, मतलब ठीक से नहीं आया। तुमको दिखाऊंगी। हाँ अच्छा, पहन लो साड़ी। क्या ये, क्या हो रहा है? बात हो गया। अच्छा नहीं लगा? अच्छा, बहुत ही अच्छा। पैसा खर्चा करते हो मेरे ऊपर? मेरे पैसों की फिक्र मत करो, बहुत है मेरे पास, जितने चाहिए मांग लेना। मुझे क्या करना है, दो भक्त की दाल दारू मिल जाए बस, और क्या? दारू नहीं पियोगे? नहीं, आज नहीं। तबीयत खराब है? नहीं, जरूरी थोड़ा ही रोज पिए आदमी। मैं तो नहीं रह सकती यार। एक दिन छोड़ के देखो। तुम तो अपना धंधा छुड़वाओगे यार। जब ये सब नहीं करती थी तब कोई ना कोई साला आ जाता था जबरदस्ती जहर पिलाने के लिए। अब तन मार के सीखा तो तुम आगे, तब क्यों नहीं आए? कब? जब मैं छोटी थी तब नहीं आ सका, उसी का तो प्रायश्चित कर रहा हूं। लेकिन उस वक्त आते तो तुम्हारे मेरे इश्क नहीं जमता था। क्यों? लेकिन मेरी माँ से जम जाता,
वो भी बहुत खूबसूरत थी। हाँ क्या करती थी तुम्हारी माँ? मरती थी बस, 20 साल साली मरती रही किसी हरामजादे डॉक्टर के लिए। वो सब मत याद दिलाओ साला, मेरे खानदान की बात कभी मत करना। पहले बोल देती हूँ, नंगों में बैठकर अब नंगा नहीं लगता मुझे, शरीफ लोगों में बैठकर अब शर्म आती है, अपना नंगापन दिखने लगता है। तुम खुद ही तो नंगों में जाकर बैठ गई हो, जहां से उठ के गई थी वहीं वापस चले आओ। वो चमार का किस्सा नहीं मालूम? दिन रात चमड़े के बाजार में रहता था, इतर के बाजार से गुजरा तो बेहोश हो गया। बहुत दिनों बाद गया था ना, इसलिए रोज रोज गुजरेगा तो बेहोश नहीं। जरूरत नहीं साला, जिधर से जाने में खुद को नंगा लगे वहां क्या जरूरत है जाने की? इतर बाजार के इतने चक्कर लगवाऊंगा कि चमड़े की बू भूल जाओगी। कुछ और गलियों में भी तो रही हो, हमेशा से तो ये साहब ये गुसल खाने में रह गया था। ये तुम्हारा? हाँ। ये मूंगा क्यों पहनती हो? किसी ने निशानी दी थी। किसने? कोई था। अब नहीं है? हाँ है, कहाँ है कैसा है वो नहीं मालूम। नाम क्या है उसका? कुंदन। ढूंढना है उसे, ढूंढना है। तुम क्यों परेशान होते मेरी जिंदगी के लिए? दारू पियोगे? गिलास लाओ। अब तो इज्जतदार लगती हूँ तुम्हारे साथ। एक बात है यार, तुम अच्छे आदमी हो लेकिन अपने काम के नहीं। मतलब? पहली बार औरत रखी है। शादी वादी नहीं की? नहीं। क्यों? बहुत साल पहले की बात है, एक लड़की से प्यार किया, वापस आकर उसी से शादी करने वाला था, लेकिन उन्हीं दिनों ऑपरेशन करते हुए मेरे हाथों एक आदमी की मौत हो गई। तुम डॉक्टर हो? नहीं, सर्जन हूं। पुलिस केस हुआ, 3 साल की जेल हो गई। उसी शर्मिंदगी की वजह से ना मैंने उसे खबर की, ना वापस आया, ना शादी की। कान मत खुजाया करो, जहरबाद हो जाता है। कान मत खुजाओ, जहरबाद हो जाता है। तुम्हें किसने बताया कान खुजाने से जहरबाद हो जाता है? माँ, माँ ने बताया था बचपन में। जा रहे हैं हम? नीली घाटी। कभी गई हो? बचपन में। कैसी जगह है? बस दो ही जगह याद है मुझे, एक करखा घर जहां माँ काम करती थी और दूसरा अस्पताल जहां माँ मुझे लेकर जाया करती थी। क्यों? डॉक्टरों से कहा करती थी मुझे डॉक्टरी पढ़ा दे,
फिर क्या, यूं ही बगैर पढ़े कोई डॉक्टर बन जाता है? तुम चाहो तो अभी पढ़ सकती हो, बन सकती हो डॉक्टर। एक बात बोलूं, मुझे डॉक्टर नाम से नफरत है। इतनी नफरत तो मुझे उस आदमी से भी नहीं जिसने मुझे रंडी बनाया, जितनी उस डॉक्टर से है जिसके लिए मेरी माँ पागल हो गई थी। एक बार जिंदगी में मिल जाता तो क्या करोगी? क्या करूंगी वो तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इतना जानती हूँ जो करूंगी वो बहुत बुरा होगा। इस हरामजादी के मजाल है, हाथ उठाए मेरे ऊपर सारे खानदान को पीस के रख दूंगी। हाँ तेरी तो मैं। तुम चुप करो कजली, क्या बात है महाराज साहब? मैंने इससे कहा था रसोई में हाथ मत डाले, इसने मेरी मानी नहीं। तू कौन होता है मना करने वाला? तेरे बाप का घर है। देखिए साहब, मैंने हाथ पकड़ के इसको बाहर किया तो उसने मुझे माँ पर से गाली दी। आपने अलग क्यों किया इसे? देखिए साहब, आपका मुंह देख के इतने दिन छुप है, ये कौन है हम इसे अच्छी तरह जानते हैं। हम इसके हाथ का छुआ नहीं खा सकते, अगर आप खा सकते हैं तो इसी से पकवा लीजिए। ठीक है, मैं इसी से पकवा लूंगा, आप जा सकते हैं। आप ठीक नहीं कर रहे साहब, आप जैसे इज्जतदार आदमी। मेरी इज्जत आपको संभालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभालूंगा। अपना घर लेकर निकल जाइए। महाराज को तो निकाल दिया, मरने दे साले को। और खाना साला कौन पकाए? मैं पकाऊंगी, मुझे क्या आता नहीं। आते खाकर देखो, भूल जाओगे इस हरामी पिल्ले को। अच्छा ठीक है, जा पका। धौलपुर जा रहे हो क्या? शायद यही नाम है उस जगह का। वहां क्या काम है? एक आदमी को ढूंढना है। कौन है? कुंदन। क्यों? काम है। तुम्हें क्या काम है उससे? मुझे ना सही, तुम्हें तो हो सकता। नहीं, मुझे कोई काम नहीं, मुझे नहीं मिलना उससे। तुम कुंदन से प्यार करती थी ना? तो हो सकता है कुंदन अभी तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। इतने दिन कोई किसी का इंतजार नहीं करता। क्यों, तुम्हारी माँ ने इंतजार नहीं किया था एक डॉक्टर का 20 साल? एक बार मिलने में कोई हर्ष तो नहीं? तुम नहीं समझते, मैं अब उसके काबिल नहीं रही और मैं उसे कुछ छुपाऊंगी भी नहीं। देखो कजली, हो सकता है उस डॉक्टर ने भी यही सोचा हो और वापस नहीं आया।
वो डॉक्टर अगर लौट आता कजली तो तुम्हारी माँ उसे माफ ना कर देती। कुंदन, कुंदन यही रहता था ना? जी हाँ, वो यही रहते हैं। मुझे जरा मिलना है उनसे, कुछ काम था। वो बाहर गए हैं काम से। मुझे बताइए, मैं उनकी पत्नी हूँ। तो शादी कर ली उसने। एक बात कहूं कर ले, तुम भी किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? एक अच्छी जिंदगी गुजारो तो। अच्छा कौन रहने देता है? माँ के कुक से कोई रंडी नहीं पैदा होती, बनाने वाले मिल जाते हैं। मुझे भी एक मिल गया था। कौन? दीनू, मेरे बाप का भाई, बेटी बेटी कहकर बुलाता था। और उस वक्त तुम्हारी माँ कहाँ थी? माँ को अपनी सूधी कहाँ थी उस वक्त? वो तो पहले ही पागल हो चुकी थी। छड़ी रे छड़ी, कैसी गले में पड़ी। तू तो बिल्कुल पागल हो गई है चंदा। माँ अंदर जाओ। दीनू, फिर क्यों आया तू? अरे तेरे बाप का भाई लगता हूँ बेटी, चाचा ताऊ का करके बात किया कर, हमेशा तू तू कहा करती है। बहुत देखा है तेरा भाईचारा, सौ बार मना कर चुकी हूँ, यहाँ आने की जरूरत नहीं। अरे अगर आता भी हूँ बेटी तो तेरा भला बुरा देखने को आता हूँ। देख ऊपर बड़े अस्पताल में मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, ले चल के चंदा को भर्ती करवा दे। मुझे पागलखाने में नहीं भेजना है माँ को, मैं खुद इलाज करा लूंगी। मोती काका। हाँ बेटी। मोती काका, मैं माँ के लिए दवा लेने जा रही हूँ, तुम जरा माँ का ख्याल रखना। अरे क्या पिटारा खोल रखा है चंदा? कजली जब दुल्हन बनेगी ये पहनाऊंगी उसे। अरे दुल्हन तो उसे कल बना दूं, पर वो साली माँ ने तब ना। अब भी कैसे शादी करेगी, पागल हो? पहले डॉक्टर तो बन जाए, जब डॉक्टर बनेगी ना तो ये दूंगी उसे। अरे किस डॉक्टर के लिए जिंदगी बर्बाद करती, मर खप गया होगा कभी का वो तो। कजली, कजली। अरे कजली चली गई क्या दवा लेने? स्कूल गई है डॉक्टरी पढ़ने। क्या काम है? ठेकेदार साहब ऊपर बुलाए हैं, आए तो ऊपर भेज देना। साला ठेकेदार कब तक बचा के रखेगा उसे, मैं देख लूंगा। सीधी उंगली घी नहीं निकलता। हाँ कर रहा है, क्या काम है तुझे? Thank you.
उसी बेहोशी में उठाकर शहर ले गया मुझे। कई रोज बंद अंधेरी कोठरी और जिस दिन उजाला देखा उस दिन बिक चुकी थी मैं गंगू रानी के कोठे पर। ये क्या किया तुमने? अगर उस वक्त मैं अपनी कजली के पास होता तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ थैंक यू। आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई। तुम्हारे साथ तो मेरे दिन रात ही बदलने लग गए हैं। रात को जल्दी सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। आज सुबह खामखा पूजा करने को जी चाह रहा था। फिर कर लेती पूजा? आती है? सीखी ही नहीं। लो तुम भी आओ। लो ना, तुम्हारे लिए जलाया है। तुम्हें भी होगी? तुमको पसंद नहीं इसलिए सोचा तुम्हारे सामने नहीं पियूंगी। मतलब मैं नहीं हूंगा तो पियोगी? क्या हुआ? कुछ नहीं, भूल गई थी तुम भी हमेशा थोड़ा ही साथ रहोगे। और अगर कहूं कि हमेशा रहूंगा तो मैं हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूं तो? जितने दिन हो बहुत अच्छा है, सारी जिंदगी का वादा मत करना। बहुत डर लगता है ऐसी वादों से। एक बार मेरी मां से वादा किया था किसी ने और दूसरी बार मैं किसी से वादा करके चली आई थी। अब कितने सारे पैसे थे यहां, कहां गए? बटुआ भी हाँ मिल गए। कितने पैसे थे? इतने सारे, अब इतने रह गए। ऐसा खर्चा करोगे तो वापस जाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। थोड़े से रख दो संभाल के। खजली, बहुत साल पहले इसी तरह एक लड़की मेरे पैसे संभाला करती थी। उस बार भी मेरी वापसी के लिए उसने 60 रुपये बचा के रखे थे। वो ना रखती, मैं ना जाता तो बहुत सालों के बाद कुछ अजीब सा लग रहा है। बहुत साल पहले जब कुंदन था ऐसा लगता था। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं। Thank you.
महाराज कहाँ चले गए थे आप? अब तक नाराज हो? मुझसे गलती हो गई थी, माफ कर देना। मैं अपने कपड़े लेने आया हूँ। वो तो नहीं मिलेंगे। न कपड़े मिलेंगे, न तनख्वाह, न छुट्टी, कुछ नहीं मिलेगा। देखो काका, ये घर तुम्हारा है और इस घर के साहब भी। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं, न साहब है न घर। साहब ने तुमको घर संभालने के लिए रखा है, तुम ही संभालो। हमें क्यों रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, तुम्हें नहीं मालूम काका? कोई घर थोड़ा ही देता है हम जैसियों को। तो फिर क्यों आई हो यहाँ, एक इज्जतदार आदमी को खराब करने के लिए? धंधे के लिए आई थी काका, और वही भूल गई थी। औरतों की तरह देखने लगी थी उसे, पता नहीं ये सब कैसे जाग गया मेरे अंदर। काका, काका तुम वापस आ जाओ, मैं कल चली जाऊंगी। तुम्हारे हिसाब का कुछ नहीं जाएगा काका, मैं ही कहीं की न रहूंगी, न घर की न। ये कौन साला कमबख्त आ गया इस वक्त? चल उठ बे टुकड़े, देख जरा। तुम आओ सेठ, आओ अंदर आ जाओ, बैठो बैठो। कहो इस वक्त कैसे आना हुआ? अभी तो पहले ही पैसे खत्म नहीं हुए तुम्हारे। एक बात करनी थी इसलिए, समझ में नहीं आता कैसे कहूं आपसे। लड़की बदलनी है क्या? ऊब गए कजली से? आप समझेंगी नहीं, बात यह है कि कजली एक अच्छी लड़की है, किसी अच्छे घर की लड़की है, और मैं उसे यहां से निकालना चाहता हूं। सेठ, अच्छी बच्ची कोई नहीं है इनमें, सब की सब रंडियां हैं। हाँ धंधा अच्छा कर लेती है। सेठ तुम सीधे सीधे काम देखो और गुटलियां हमें वापस कर दो, इन्हें बीजने की कोशिश मत करो। कजली से कितना कमा लेती हैं आप? कितना कमा लेंगी और कब तक कमा लेंगी? 5 साल, 10 साल, 15 साल? उसकी सारी जिंदगी से जो आप कमा सकती हैं वो मुझसे ले लीजिए। तुम्हें कजली ने भेजा है या? उसे नहीं मालूम, उसे तो मैंने जिक्र भी नहीं किया। उसे मनाने के लिए भी कैसे समझाऊंगा कह नहीं सकता। पागल मत बनो सेठ, ये भेड़ बकरियों की मंडी नहीं है, यहां मेरी बेटियां रहती हैं। तुम लोग बेच सकते हो अपनी बेटियों को, मैं नहीं बेचती उन्हें, वो बिकाऊ नहीं है। ऐसी कोई रकम जो आपने सिर्फ सुनी हो लेकिन देखी ना हो जिंदगी में, वो भर लीजिए, मैं चुका दूंगा। लेकिन कजली मुझे दे दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। Thank you.
ये क्या पहन रखा है? कपड़े जो हमेशा पहनती हूँ, इसमें हैरान होने की क्या बात है? उठो, उठ के कपड़े बदल लो। देखो, ये मर्दों की तरह हुकूमत चलाना। बीवी नहीं हूँ तुम्हारी, क्या बुरा है इन कपड़ों में? गंदी लगती हो इनमें, लगता है कोई बाजारी लगते हैं ये कपड़े। क्या जानते नहीं कहाँ से लाए हो मुझे? देखो कजली, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, चुपचाप जाके कपड़े बदल लो। वो नहीं सुना तुमने? कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। मैं तो अपना धंधा ही भूलने लग गई थी। हाँ, जरा धंधे पे गई थी इसलिए। कहाँ गई थी? अपने ग्राहक के यहाँ, वो चौधरी याद है, उस दिन बैठे थे तो आए थे। क्यों गई? क्यों गई बाहर? तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है? किस बात की कमी है तुम्हें? तुम्हें पैसे चाहिए ना? क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं देता? तुम्हारे वक्त के तुम्हें पैसे नहीं मिलते? जानती हूँ, ये वक्त तुम्हारा खरीदा हुआ है। तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करूंगी। ये मिले थे, तुम रख लो। निकल जाओ यहां से। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। कीचड़ से निकली हो, कीचड़ में ही रहोगी। मगर इसका जो भी सामान है, इसका हवाला कर दो। कजली, बात क्या है? अरे बोल ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं रे, रास्ता भूल गई थी चंपा। मेरे अंदर अभी तक एक औरत जी रही है। मैंने सोचा वो कब की मर गई, लेकिन जीती है वो। मेरा माँ बनने को जी चाहता है चंपा, माँ बनने को जी चाहता है। लौटाई बनो हमारी। कहाँ है कज्जो? आइए आइए, लौटाई ससुराल से। चलो उठ, उधर बैठ। क्या लग रही है साड़ी में? अरे इस बुढ़े ने सचमुच तुझे दुल्हन बना दिया। यूं देख के तो कोई भी तुझे घर बैठा ले। चलो उठना, कुर्सी पे बैठ। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। अरे हम तो तुम्हारे बरसों पुराने यार हैं। वो आज है, कल चला जाएगा, और हम हमेशा तुम्हारे हैं। सुन लिया ना, चल हट यहाँ से। उस साले दल्ले ने तो भाव बढ़ा दिए गश्तियों के। दल्ला होगा तू, तेरे बाप का नहीं खाता वो, खबरदार जो से गाली थी। धेले की साली गश्ती और बात करती है। क्या कहा? गश्ती होगी तेरी कोई। क्या हुआ? गाली दे रहा था। किसे? उसे, जिसके साथ रहती हूँ आजकल। वो क्या तेरा खसम लगता है? नहीं, मेरा कोई नहीं लगता, लेकिन चौधरी कौन होता है उसे गाली देने वाला? लेकिन तुझे इतना बुरा क्यों लगा है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा था। इससे पहले कोई मिला भी तो नहीं था इस तरह। इतनी इज्जत भी तो किसी ने नहीं दी थी मुझे। पहली बार किसी ने औरत की तरह देखा है मुझे, वेश्या की तरह नहीं।
उसने अभी तक छुआ भी नहीं है मेरे जिस्म को। मौसी, वो सचमुच प्यार करता है मुझसे, उसके प्यार की हद तक नहीं सह सकी। कजली, वो प्यार करता है तुझसे कि तू प्यार करती है? तेरा सुर भी तो बदला हुआ है। देख बेटी, इन कोठों की सीढ़ियां कभी किसी घर के आंगन में नहीं उतरी, इन कोठों से जाके कभी किसी लड़की को बसते नहीं देखा आज तक। किसी मर्द के बच्चे में इतना दम नहीं देखा। जो आता है बहकी हुई सांस लेकर आता है, जब ताप उतर जाता है तो। लेकिन पहली बार कोई आदमी इतना खरा दिखाई दिया, इतना सच्चा सुनाई दिया। वो बुढ़ा तेरा जिसके साथ रहती है आजकल, मेरे पास भी आया था वो तेरी कीमत चुकाने। वो यहां आया था? हाँ, और ये खाली चेक दे गया, मैं कुछ भी भर लू। ये कभी नहीं हुआ बेटी, लेकिन लाखों करोड़ों में अगर एक बार कोई एक भी बस गई तो समझूंगी मैंने औरत होने का धर्म पूरा किया। अगर वो तुझे अपना ले तो चल, चली जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। चंपा, मैं जाऊं? मैं चली जाऊं? एक बार, सिर्फ एक बार मैं पूरी औरत बनना चाहती हूं। मैं अधूरी नहीं रहना चाहती, मैं अधूरी नहीं रहना चाहती।
तुम्हारी कजली। तुम अब यहां क्यों आई हो? क्या करने आई हो यहां? तुम्हें प्यार करने, अपने आप तुम्हें सौंपने। इस शरीर के आगे भी कभी कुछ देखा है? सोचा है, पहचाना है किसी को? तुम्हारी मां ने क्या इसी दिन के लिए तुम्हें जन्मा था? इसी बाजार के लिए पैदा किया था तुम्हें? अच्छा हुआ ये सब देखने से पहले चली गई चंदा। चंदा, अगर वो उस डॉक्टर के लिए पागल न होती तो तेरे लिए हो जाती, तू उसे पागल बना देती। चंदा तुझे ये बनाना चाहती थी, ऐसे देखना चाहती थी? इसे जानती हो ना? पहचानती हो ना इसे? ये परांदिया, ये दुपट्टे, ये सिंदूर, ये सब देख रही हो? तुझे दुल्हन देखने के लिए पागलपन में भी वो दहेज जमा करती रही, और तू पूछना चाहती है ना? मैं वही डॉक्टर हूं, डॉक्टर अमरनाथ, जिसे अपनी मां का बदला लेना है तुझे। बोलो क्या बदला चाहिए तुझे? कहो क्या चाहिए? नहीं मंगल जी सर, ये लो। कुछ चाहिए मुझसे? वो क्या है हाथ में, क्या छुपा है? देखिए,
यही हो ना तुम। 20 साल मेरी माँ को इंतजार कराया था, तुम ही हो जिसके लिए मेरी माँ पागल हो गई थी, जिसके लिए जिंदगी उजड़ गई थी उसकी। न वो बच सकी न मैं, तुम्हारे लिए मैं भी बिक गई बाजार में। तुम्हारा ही दोष है सब सब। माँ तुम्हें कभी नहीं माफ करेगी, कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। हाँ बेटी, चंदा माफ नहीं करेगी मुझे, लेकिन मेरी कजली तो माफ कर सकती है मुझे। मैं जानता हूं बेटी, मैं दोषी हूं, पापी हूं, इसलिए तो बार बार तुम्हारे पास आता था। तुमसे अपना प्रायश्चित मांगने बेटी। मुझे माफ कर दो बेटी। मेरे साथ चलोगी? पीछे मुड़कर देखने के लिए हम दोनों के पास कुछ नहीं है बेटी। चलो मेरे साथ। आप